रहस्य हैं जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, ऐसे रहस्य जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। आज हम आपको ऐसी एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यह जगह एक ऐसी रहस्यमय घाटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है। इस जगह को शांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। शांग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में गिना जाता है। अरुण शर्मा की किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में शांग्रीला का जिक्र मिलता है। उनके मुताबिक एक लामा ने उन्हें बताया था कि शांग्रीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहाँ मन, प्राण और विचार की शक्ति एक खास सीमा तक बढ़ सकती है। इस जगह के बारे में एक मत ये भी है कि अगर कोई इंसान वहाँ चला जाए तो वो वापस नहीं आता। युत्सुंग के मुताबिक वो खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनके मुताबिक वहाँ न तो सूर्य का प्रकाश था और न ही चंद्रमा, लेकिन फिर भी चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला रहता है। वहीं तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र किया गया है। इस जगह को कई लोग धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया है। चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी फिर इस जगह को नहीं खोज सके। दुनिया भर के जितने भी लोगों ने शांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, उनमें से तो कई गायब हो गए।